हेलो साथियों, CDS 1/2022 के जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुके हैं। तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने ये पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, फिर ऑफिशियल जो UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट कर लेना है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद आपको करना है क्या, ऐसा ओपन हो जाएगा आपके पास। इसके बाद में जो यहाँ पर एडमिट कार्ड वाला जो ऑप्शन दे रखा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ई एडमिट कार्ड्स के नीचे देखो, ई एडमिट कार्ड्स वेरियस एग्जामिनेशन फॉर ऑफ UPSC, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको CDS का जो देर का यहाँ पे देर का, इसके बाद आपको यहाँ पर अवेलेबल अप टू देर का यानी कि अप्रैल 10 अप्रैल तक देर का, इसके बाद डाउनलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे है जो आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर है, जो क्लिक हेयर जो देर का है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस देर की, आप इसको रीड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है जो इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर है जो देर की है। तो यहाँ पर मैं इसको यस कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको यस करूँ तो अपने नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे, जिसको दोबारा ये आ गया। तो इसको एक बार फिर अपने क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और नीचे जाकर इसको स्क्रॉल करेंगे और यस पे क्लिक कर देंगे। तो यस पे क्लिक कर दिया मैंने। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन ID के माध्यम से और रोल नंबर दोनों के मतलब दोनों मेथड से आप अपना है जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन ID भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर भी कर सकते हैं यानी कि फॉरगॉट पे, यहाँ पर यह भी बताऊँगा। तो अपने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, फिर जो कैप्चा देर का ये डालना पड़ेगा, फिर आपको सबमिट कर देना है। सबसे पहले मैंने अपना है जो रजिस्ट्रेशन ID डाल दी। इसके बाद में आपको करना क्या है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको ईयर है वो सिलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद में आपको करना है कि यहाँ पर जो कैप्चा दे रखा है ये कैप्चा आपको यहाँ पर है जो डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर है जो ये कैप्चा डाल देता हूँ और इसके बाद में सबमिट करूँगा। तो आपके सामने जो किस प्रकार से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर जो देखने को मिल जाएगा। बस थोड़ी बहुत गलती मत करना कैप्चा के अंदर, तो जल्दी से है जो क्या हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड है जो आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। सबमिट यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि कैप्चा इनवैलिड है, तो फटाफट से मैं दोबारा इसको फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर पहले मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ, फिर अपनी है जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में अपना है जो यहाँ पर कैप्चा डाल के और अपना एडमिट कार्ड है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं अब है जो कैप्चा फिल कर देता हूँ, तो फटाफट से मैं यहाँ पर अपना कैप्चा इसके अंदर है जो अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद में सबमिट वाला बटन दबाएंगे। तो बटन दबाते ही आपका एडमिट कार्ड है जो हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। इसके बाद देखो यहाँ पे आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो गई, यहाँ पर है जो मेरा एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है। इस प्रकार से आप अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी है जो मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर देर का था कि आप अपना रजिस्ट्रेशन ID भूल चुके हैं वो कैसे करेंगे। तो आपको मैं अभी वो भी दिखाता हूँ कि आप आपके पास रजिस्ट्रेशन ID नहीं है तो आप बगैर रजिस्ट्रेशन ID के कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोबारा होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक हेयर करेंगे और क्लिक हेयर करने के बाद आपको करने के दोबारा यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, यस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोबारा क्लिक हेयर करना पड़ेगा और यस पे क्लिक करना पड़ेगा दोबारा से। अपने थोड़ा सा ये डिले हो जाता है इसके अंदर। इसके बाद आपको यहाँ पर है जो क्या करना है, फॉरगेट जो RID यानी कि रजिस्ट्रेशन ID, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना फादर नेम, मदर नेम और आपका खुद का नाम हो गया, फिर आपका फादर नेम हो गया, फिर आपका मदर नेम हो गया, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई और फिर आपको क्या करना है, कैप्चा फिल कर देना है। इसके अंदर गलती मत करना किसी चीज़ को फिल करने के लिए, जैसा आपने फॉर्म भरा था वैसा का वैसा आप इसके अंदर भरेंगे तो आपके ईमेल और आपका जो मोबाइल नंबर इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन था उन दोनों पर मतलब एक मैसेज आएगा, जिसके अंदर क्या होगा आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको वहाँ पर जो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मैं भी मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भूल चुका था, लेकिन मैंने इसी मेथड के द्वारा अपना जो एडमिट कार्ड है वो निकाला था। इसको फटाफट से फिल करेंगे, हो सकता है इसके अंदर मैं कोई गलती कर दूँ तो ये हो नहीं पाएगा, लेकिन आप अच्छे तरीके से सही से इसको फिलअप करेंगे तो ये हो जाएगा। आप इसके लिए कर क्या सकते हैं, अपने लैपटॉप से इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को आप है जो डेस्कटॉप साइट पर ओपन करके और अपने मोबाइल के अंदर भी है जो क्या कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड है वो निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको फिलअप कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि
आपको दोबारा फिल करना पड़ेगा, करेक्ट फिल करना पड़ेगा। मैंने कैप्सा है वो गलत डाल दिया, तो एक बार फटाफट से इसको फिलअप कर लेता हूँ। बस आपको करना क्या है, इसके अंदर सही सही जानकारी ही भरनी पड़ेगी। जब आपने फॉर्म भरा था, जो जानकारी आपने वहाँ पर भरी थी वही सेम का सेम मतलब सही होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी मिस हुआ तो ये यहाँ पर है जो हो नहीं पाएगा, लेकिन इतना कन्फर्म है कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मैसेज और ईमेल के माध्यम से मिल गया था, तो कन्फर्म भी आप लोगों को मिल जाएगा। और किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे है जो मेल कर सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को है जो बता सकते हैं, तो आपकी पूरी हेल्प है मैं करूँगा कि किस प्रकार अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, इस पर कैप्चा डाल देता हूँ, शायद तक अब की बार हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ट्राई करना, आपका हो जाएगा। मेरा हो गया था, यहाँ पर एक बार और देर है, तो शायद तक मैंने कोई ना कोई गलती यहाँ पर बार बार कर रहा हूँ, तभी बार बार ऐसा है जो देर है। लेकिन कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहना, आपका फर्स्ट टाइम है जो हो जाएगा। मेरा फर्स्ट टाइम ही हो गया था, ठीक है। आप कर लेंगे तो आपके पास आपकी मेल पर और आपके जो नंबर था उस पर आ जाएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। ये एडमिट कार्ड ऐसा था और ये आपका आ जाएगा। मेरा सेंटर है जो जयपुर के अंदर है, आप देख सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।